अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है ओशा कोर्स के ऊपर, और इसके अंदर हम टॉपिक नंबर 2 सेफ्टी साइंस को, या चैप्टर नंबर 2 सेफ्टी साइंस को डिस्कस करेंगे। सेफ्टी साइंस, सेफ्टी अलामतें, सेफ्टी निशानात, ये जो हैं हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब ये सेफ्टी साइंस मौजूद होते हैं तो फर्स्ट इम्प्रेशन में ही हमें ये चीज़ उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक राय कायम करने पे मजबूर कर देती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर काम कर रही है। बेशक हम अपनी ज़ाहरी आंख से देख रहे होते हैं, लेकिन तमाम तर लोग सेफ्टी प्रोसीजर, सेफ्टी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क वगैरह को जानते नहीं होते, तो सिर्फ इन्हीं को देख के वो इस बात को मान लेते हैं या एक राय कायम कर लेते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर काम कर रही है। सेफ्टी साइंस की डेफिनेशन क्या है जी? साइंस आर वार्निंग्स ऑफ हैजर्ड्स टेम्पररीली आर परमानेंटली फिक्स्ड आर प्लेस्ड एट लोकेशंस वेयर हैजर्ड्स एग्जिस्ट। सेफ्टी साइंस आर अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस रिस्क, गिविंग इंफॉर्मेशन, वार्न ऑफ हैजर्ड्स, प्रोहिबिटिंग आर प्रोवाइडिंग इन केस ऑफ और फायर इक्विपमेंट इन केस ऑफ एन एमरजेंसी। मतलब साइंस क्या है? साइंस जो है ये वार्निंग्स हैं हैजर्ड्स की, टेम्पररी आर परमानेंटली फिक्स। टेम्पररी फिक्स कैसे होंगे, परमानेंट फिक्स कैसे होंगे? टेम्पररी फिक्स इस तरह से होंगे कि फॉर एग्जाम्पल एक रोड कुछ घंटों के लिए कुछ टेम्पररी वर्क की वजह से बंद की गई है, तो उसको जब ब्लॉक किया जाएगा तो कुछ देर के लिए वहां पे सेफ्टी साइंस अवेजा कर दिए जाएंगे, लगा दिए जाएंगे कि यहां पर किसी तरह की एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, इसलिए आप मुतबादल रास्ता इख्तियार करें। और परमानेंटली फिक्स वो साइंस होते हैं जिस तरह नो पार्किंग, नो पार्किंग परमानेंटली ही ज्यादातर जो होता है वो लगा हुआ होता है कि नो पार्किंग होगी, या फॉर एग्जांपल आप एक वर्क प्लेस के ऊपर मौजूद हैं तो वहां पे परमानेंटली होगा परमानेंटली वहां पे लिखा हुआ होगा कि वेयर सेफ्टी हेलमेट, वेयर पीपीईज, तो ये परमानेंटली वहां पे मौजूद होंगे। इसके बाद सेफ्टी जो जी, तो आगे ये जो सेफ्टी साइंस हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का पार्ट हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर हम रिस्क को रिड्यूस करने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। इनका मकसद होता है वार्न ऑफ हैजर्ड, खबरदार करते हैं खदशात से, प्रोहिबिट ममानत करते हैं उन चीजों से जिन चीजों से एक्सीडेंट्स वाक्य हो सकते हैं, उनसे मना करते हैं, और कुछ सूरतों में चीजों को प्रोवाइड करने की या चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिस तरह फायर इमरजेंसी की सूरत में या किसी भी इमरजेंसी केस में आपने वर्क प्लेस से एस्केप रूट कैसे लेना है या एग्जिट रूट कैसे लेना है। पर्पज ऑफ सेफ्टी साइंस क्या है जी? व्हाई यूज सेफ्टी साइंस, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो पांच इसके पर्पज हैं। पहली बात, दे कीप अस सेफ, ये हमें महफूज रखते हैं। दे सेव आवर टाइम, हमारा वक्त बचाते हैं। दे कीप अदर सेफ, इसकी वजह से दूसरे लोग भी महफूज रहते हैं। दे कीप अस आउट ऑफ ट्रबल, तो जारी बात है जब ये सेफ्टी साइंस लगे होंगे तो हम मसाइल का शिकार नहीं होंगे। दे हेल्प द सोसाइटी एंड फाइंड ऑर्डर, अब इसका मतलब ये है कि ये सोसाइटी को मदद देते हैं फाइंड ऑर्डर, कि हर चीज तरतीबवार आपकी हो जाती है इसकी वजह से। आगे जी, हमारे पास रेगुलेशन है हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, हेल्थ एंड सेफ्टी सेफ्टी साइंस एंड सिग्नल्स रेगुलेशंस 1996। अच्छा जी, हेल्थ एंड सेफ्टी सेफ्टी साइंस एंड सिग्नल रेगुलेशन 1996 हमें क्या कर रहा है? आपको पहले से मालूम है कि कोई भी रूल्स रेगुलेशंस जो लॉ होता है वो बेसिकली हमें रूल्स और लॉज किसी भी चीज के बारे में देता है जिनके ऊपर अमल पैरा हो के हमने उस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर काम करना होता है। यहां पे हेल्थ एंड सेफ्टी सेफ्टी साइंस एंड सिग्नल रेगुलेशन 1996 का मतलब यह है कि हेल्थ एंड सेफ्टी में सेफ्टी साइंस और सिग्नल्स की भी अहमियत
मौजूद है जिसके लिए पूरा एक रेगुलेशन काम करता है. दिस रेगुलेशन रिक्वायर्स एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड स्पेसिफिक सेफ्टी साइंस व्हेनेवर देयर इज अ रिस्क दैट हैज नॉट बीन अवॉइडेड आर कंट्रोल्ड बाय अदर मींस एग्जांपल बाय इंजीनियरिंग कंट्रोल्स एंड सेफ सिस्टम ऑफ वर्क. हाँ जी, ये रेगुलेशन दोबारा एम्प्लॉयर को पाबंद कर रहा है. किस लिए पाबंद कर रहा है? कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेफ्टी साइंस जो है वो वहां पर लगाए, और सेफ्टी साइंस लगाने के अलावा उन सेफ्टी साइंस के बारे में एक बार इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग भी उन्हें दे, या ट्रेनिंग ना भी दे, इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन भी दे, ताकि जिन वर्कर्स को प्रॉपरली सेफ्टी साइंस के साथ अवेयरनेस नहीं है तो वो हर एक वहां पे लगे हुए साइन से जो चीजें हर एक लगे हुए सेफ्टी साइंस से जो भी फायदा हो सकता है वो फायदा ले सकें, और उन्हें इस बात की मुकम्मल जानकारी हो, मुकम्मल उनके पास इंफॉर्मेशन हो कि यहां पे इस टाइम ये जो साइन पोस्ट किया गया है या पेस्ट किया गया है इसका पर्पस क्या है. अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ सेफ्टी साइंस. तो सेफ्टी साइंस की बेसिकली टाइप्स कितनी हैं? मेन टाइप्स जो हम इसके अंदर कंसीडर करते हैं वो वार्निंग साइंस करते हैं, प्रोहिबिटिव साइंस जिसको प्रोहिबिशन साइंस भी बोलते हैं, उसके अलावा मैंडेटरी साइंस. मैंडेटरी साइंस के अलावा हमारे पास इसके अंदर जो मौजूद होती है वो होते हैं सेफ कंडीशन साइंस. अब वक्त जैसे जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर काम हो रहा है तो ऐसी सूरत में क्या है कि फायर सेफ्टी साइंस को भी इसका पार्ट बना दिया है. वार्निंग साइंस प्रोवाइड वार्निंग्स अबाउट प्रेजेंस ऑफ अ हैजर्ड ओवरहेड पावर केबल, दे आर येलो इन कलर एंड ट्रायंगल इन शेप. जो वार्निंग साइंस होंगे वो खबरदार करेंगे किसी भी हैजर्ड का. फॉर एग्जांपल किसी जगह से पावर केबल्स गुजर रही हैं ओवरहेड, तो वो वार्निंग देगा कि यहाँ पे आपने हाइट कम रखनी है. ये नॉर्मली येलो इन कलर, पीले होते हैं रंग में, और इनकी जो शेप होती है वो ट्रायंगुलर होती है. नेक्स्ट प्रोहिबिशन साइंस या प्रोहिबिटिव साइंस, ये वो होते हैं जिसमें किसी काम से मना किया जाए, जिस काम से ममानत जिसमें होगी वो से आपके प्रोहिबिटिव साइंस होंगे. कैसे? तो दे प्रोहिबिट अस फ्रॉम डूइंग समथिंग, जो हमें कुछ करने से रोकते हैं. जैसे नो स्मोकिंग, दे आर वाइट इन कलर विद रेड बॉर्डर एंड क्रॉस, दे आर सर्कुलर इन शेप. ये सर्कुलर शेप में होते हैं, रेड होते हैं कलर में, और कोई भी चीज इनके अंदर डाल के ऊपर क्रॉस का निशान होता है. उसके अलावा मैंडेटरी साइंस, जो काम आपने लाजमन करने हैं, दीज आर द साइंस दैट इनफोर्स अ पॉलिसी या प्रोसीजर. ये किसी भी काम को लाजमी करने के लिए इस्तेमाल होंगे, जिस तरह वेयरिंग अ ग्लव्स, मास्क, फास्टन योर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग, ये सब चीजें मैंडेटरी साइन में आएंगी. दे आर ब्लू इन कलर एंड सर्कुलर इन शेप, ये टोटली ब्लू होते हैं और सर्कुलर होते हैं शेप में. नेक्स्ट सेफ कंडीशन साइंस, दीज साइंस पॉइंट द वे टुवर्ड सेफ्टी इन केस ऑफ एमरजेंसी. इनका मकसद किसी सिस्टम के अंदर अगर एमरजेंसी सिचुएशन पैदा होती है तो ऐसी सूरत में आपने एग्जिट कैसे करना है, स्टेयरवेज क्या है, एग्जिट रूट्स क्या है, तो ये तमाम तर चीजें इसके अंदर मौजूद होंगी. दे आर ग्रीन इन कलर एंड आर स्क्वेयर आर रेक्टेंगुलर इन शेप, ये इनका रंग सब्ज होता है और ये स्क्वेयर शक्ल में या रेक्टेंगुलर शक्ल में आपके पास मौजूद होंगे. आगे चलते हैं जी. इसके अलावा जो मैंने एक और टर्म अभी आपके साथ डिस्कस की, वो टर्म मैंने आपके साथ डिस्कस की है, वो है फायर सेफ्टी साइंस. तो याद रखिएगा, फायर सेफ्टी साइंस को रिसेंटली इस जो टाइप्स ऑफ सेफ्टी साइंस है इनके अंदर एड अप किया हुआ है. इतना भी रिसेंट नहीं है, कुछ अरसे पहले ही ऐड हुआ है. अदरवाइज ये जो सेफ्टी साइंस थे, तो याद रखिएगा वो सिर्फ और सिर्फ पहले चार थे, वार्निंग साइंस, प्रोहिबिशन साइंस, मैंडेटरी साइंस और सेफ सिस्टम साइंस. अब इसके अंदर फायर साइंस भी शामिल हो गए हैं. फायर साइंस के मुतल्लिक मैं आपको बताता चलूं, फायर साइंस जो होंगे वो रेड इन कलर होंगे लेकिन उनकी जो शेप है वो स्क्वेयर शेप होगी. फायर इक्विपमेंट साइंस, दीज अब ये देखें, जैसे फायर साइंस, फायर इक्विपमेंट साइंस, ये दोनों एक ही चीज है. फायर इक्विपमेंट साइंस, दीज साइंस प्रोवाइड डायरेक्शन टू फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इन केस ऑफ फायर, फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर हाउस,
ये फायर होज होता है बेसिकली वर्ड, जिस तरह से आपने देखा होगा फायर होज क्या चीज है कि अक्सर जगहों पे आप देखते हैं कि आप बैंक में या किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो वहां पे एक जगह पे कैस्केड हुआ हुआ होगा, एक शील्ड के अंदर एक आपके पास पाइप मौजूद होगा रोल हुआ हुआ, वो पाइप बेसिकली फायर होज होता है जिसका पीछे कनेक्शन हुआ होता है वाटर के साथ। तो आग ज्यादा फैलने की सूरत में जब पानी से आग बुझाना मकसूद हो तो ऐसी सूरत में हम इस फायर होज को यूज करते हैं। दे आर रेड इन कलर एंड आर स्क्वेयर आर रेक्टेंगुलर इन शेप। ये आपके स्क्वेयर हो सकते हैं या रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, लेकिन ये और जो आपका साइन है, किसका साइन? मैंडेटरी साइन जो है वो भी आप देखते हैं कि मैंडेटरी साइन तो सर्कुलर हो गए, ठीक है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का जो साइन है और जो फायर साइन है ये रेक्टेंगुलर या स्क्वेयर शेप में तो हो सकते हैं, लेकिन जो फायर सेफ्टी साइंस होते हैं वो हमेशा रेड कलर में होंगे। ये आप देख भी रहे हैं, इसके सामने क्लासिफिकेशन है सेफ्टी साइंस। तो बेसिकली ये देखें प्रोबिशन ममानत का साइन, ये देखें येलो वार्निंग साइंस, ये ब्लू मैंडेटरी साइंस, और ये आपका एग्जिट रूट, कहां से आपने भागना है, कहां से आपने इमरजेंसी की सूरत निकलना है। तो ये आपका जो है ये सेफ सिस्टम साइन है और ये रेड आपका जो है ये फायर साइन है। आगे चलते हैं जी, आगे लास्ट टॉपिक है, लास्ट पोर्शन है इस टॉपिक का, चैप्टर नंबर 2 सेफ्टी साइंस का ओशा के अंदर, वो ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी साइंस। सेफ्टी साइंस की हमारे नजदीक या हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है? सेफ्टी साइंस एंड सिग्नल्स आर वन ऑफ द मेन मींस ऑफ कम्युनिकेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन। देखें जी, जब आप कम्युनिकेशन हेल्थ एंड सेफ्टी कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि आप कैसे हैजर्ड या रिस्क को कम्युनिकेट कर सकते हैं कि वो यहां पर मौजूद हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप सेफ्टी साइंस को यूज करें। दे इंक्लूड द यूज ऑफ इल्यूमिनेटेड साइन हैंड एंड एकॉस्टिक सिग्नल, एग्जाम्पल फायर अलार्म, स्पोकन कम्युनिकेशन एंड द मार्किंग ऑफ पाइप वर्क कंटेनिंग डेंजरस सब्सटेंसेस। अच्छा जी, कुछ जगहों पर इल्यूमिनेटेड साइन कैसे यूज होते हैं? आप जैसे देखते हैं कि एम्बुलेंसेज होती हैं या जहां पे इमरजेंसी ये आपके इमरजेंसी बटन्स लगे होते हैं या इमरजेंसी अवेयरनेस सिस्टम होते हैं, तो वहां पे हमेशा रेड लाइट आपको दिखाई देगी। तो बेसिकली ये रेड लाइट दिखाने का मकसद ये है कि लोगों को उस जानिब मुतवज्जे किया जाए, ठीक है। इसके अलावा हैंड्स होंगे, मुख्तलिफ तरीकों के सिग्नल्स बने हुए होंगे जिनसे आप प्रॉपरली वर्क प्लेस के अंदर ये चीज कम्युनिकेट कर सकते हैं कि किसी भी जगह पे डेंजरस सब्सटेंसेस हैं या कोई हैजर्ड है या कोई एक्सीडेंट या इमरजेंसी क्रिएट हो चुकी है। ट्रेडिशनल साइन बोर्ड सच एज प्रोहिबिशन एंड वार्निंग साइंस, साइंस फॉर फायर एग्जिट, फायर एक्शन प्लान नोटिसेस, फायर ड्रिल्स एंड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट आर आल्सो कंसीडर्ड टू बी सेफ्टी साइंस, जो हम पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इन व्यू ऑफ देयर इंपॉर्टेंस इट इज क्रिटिकल दैट ऑल सेफ्टी साइंस एंड सिग्नल्स कैन बी इजिली अंडरस्टूड। अच्छा जी, अब सिर्फ लगा देना काफी नहीं है, मैं ऊपर भी बता के आया हूं कि हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन जो है किसके मुतालिक, साइंस एंड सिग्नल्स के मुतालिक, सेफ्टी साइंस एंड सिग्नल्स के मुतालिक। वो एम्प्लॉयर को कहता है कि जस्ट आपने ये साइंस वहां पे पोस्ट नहीं कर देने, ये आपने सिर्फ साइन वहां पे पेस्ट नहीं कर देने, बल्कि इन साइंस को वहां पर पेस्ट करने के बाद, पोस्ट करने के बाद, वहां पर लगाने के बाद, अवेजा करने के बाद, आपने इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन भी वर्कर को देनी है ताकि वो इसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सके। जी, ये था आज का हमारा ओशा का लेक्चर नंबर 2। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।